हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? राज ट्यूटोरियल एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं थर्मोडायनामिक्स के हम पहले स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। फर्स्ट लेक्चर से हम आपको दिखाते हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या होती है। तो पहला टॉपिक है आपका थर्मोडायनामिक्स क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, थर्मोडायनेमिक्स दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। पहला ग्रीक वर्ड है आपका थर्म एंड सेकंड ग्रीक वर्ड है डायनामिक्स। तो थर्म मीन्स होता है हीट, इसका मतलब है हीट। थर्म का मतलब हीट, ग्रीक वर्ड है थर्म मीन्स हीट होता है एंड डायनामिक्स मीन्स पावर होता है। डायनामिक्स मीन्स होता है पावर। कई बुकों में डायनामिक्स को हम लोग डायनामिस भी पढ़ देते हैं और कई बुकों में डायनामिक्स को पावर ही बोलते हैं, कई बुकों में इसको फोर्स भी बोला जाता है। डायनामिक्स को दोनों एक ही चीज़ है, तो दोनों एक ही चीज़ हम पढ़ सकते हैं इसमें। अब इसके बाद तो थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट वर्ड है थर्म, सेकंड वर्ड है डायनामिक्स। थर्म मीन्स हीट होता है, डायनामिक्स मीन्स पावर होता है। अब इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन बताएं, तो डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हीट, वर्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम की स्टडी की जाती है, उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स के बाद इसके फर्स्ट अगर हम और आगे जाएँ तो इसमें बात करते हैं पहले सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। सिस्टम में देखिए, सिंपल से मैं आपको बताऊंगा सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। पहली बात करें जैसे ये कोई सिस्टम, ये आपके लिए सिस्टम मतलब कहने का स्पेस में से आप कोई भी एक सर्टेन रीजन सेलेक्ट कर लीजिए स्टडी के लिए, उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। स्पेस में कितना ही हो सकता है, ये मैंने एक सिस्टम ले लिया। जैसे हम एग्जांपल लें, रूम को मैंने एक सिस्टम मान लिया, तो रूम हमारे लिए एक सिस्टम हो गया। इसके बाद रूम की बाउंड्री जो है उसको हम रूम की बाउंड्री को हम लोग बॉल मतलब बोलेंगे, इसको बोल दें बाउंड्री, इसको बोल देंगे हम लोग बाउंड्री। जितनी भी रूम की जो बॉल्स हैं उसको हम लोग बाउंड्री बोल देंगे, और बॉल्स के अलावा जो सारी चीज़ें हैं उसको हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग। तो ये सिस्टम लिया मैंने सिस्टम। इसके बाद ये जिस तरह चारों तरफ से जिससे घिरा है, चारों तरफ से कवर्ड है, उसको बोलते हैं हम लोग बाउंड्री। ये हम लोग बोलेंगे बाउंड्री। के अलावा इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग, उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। ये सभी आपका सराउंडिंग में आ जाएगा, ये सभी आ जाएंगे आपके सराउंडिंग में। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके दोनों यूनिवर्स बनाते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके बनाते हैं आपके यूनिवर्स। अब सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिस्टम फोर टाइप्स के होते हैं सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं क्लोज सिस्टम की। तो मैं आपको डायग्राम इसी में बता देता हूँ। क्लोज सिस्टम सबसे पहले सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन बताता हूँ कि क्लोज सिस्टम में कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है लेकिन मास एक्सचेंज ना होगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज सिस्टम। तो नेक्स्ट हम लोग चालू करते हैं, तो क्लोज सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है, उसको हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। मतलब इसमें एनर्जी इन हो सकती है, एनर्जी को हम लोग ई से लिखते हैं, ई इन हो सकती है और एनर्जी आउट हो सकती है। एनर्जी के लिए मैं यहाँ से ई से लिख रहा हूँ, तो एनर्जी इन भी हो सकती है, एनर्जी आउट भी हो सकती है, लेकिन मास जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मास इसमें रहेगा वो रहेगा आपका कांस्टेंट मास, इसको हम लोग मैटर भी बोल देते हैं, मास या फिर मैटर। तो सिंपल से मतलब क्लोज सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं होता है, उसको हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल बात करें तो प्रेशर कुकर इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं प्रेशर कुकर इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट सेकंड सिस्टम जो होता है वो होता है ओपन सिस्टम।
तो ओपन सिस्टम में सिंपल सा है, ओपन सिस्टम जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ओपन सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है और मास भी एक्सचेंज हो सकता है। मतलब एनर्जी इन हो सकती है, एनर्जी आउट हो सकती है, और उसमें मास इन हो सकता है, मास आउट हो सकता है, उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, नाम लिख रहा हूँ ओपन सिस्टम। आप लोग डायग्राम नेक्स्ट बनाएंगे, डायग्राम फिर से बनाएंगे, उसमें आपको लिखना है ये हटाना है यहाँ पर मास से, मास को बस मास भी लिखना है आपको, मास भी इन होगा तो आप लिख सकते हैं कि एम इन होगा और एम आउट होगा, मतलब मास आउट होगा, मतलब मास इन भी हो सकता है, मास आउट भी हो सकता है, एनर्जी इन हो सकती है, एनर्जी आउट हो सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम, इसको बोलेंगे हम लोग ओपन सिस्टम, जिसमें दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं, मास भी और एनर्जी भी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है पम्प, टरबाइन, कंप्रेसर, बॉयलर एक्सेट्रा। इंजीनियरिंग में जनरली जितने सिस्टम होते हैं वो सभी ओपन सिस्टम होते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, पंप, टरबाइन, बॉयलर, बॉयलर के अलावा कंप्रेसर एक्सेट्रा, सब एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट फिर इसके बाद होता है थर्ड सिस्टम आता है, थर्ड सिस्टम हम बोलते हैं उसको आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना ही मास एक्सचेंज होता है। डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको, ये सिस्टम हो गया, ये सिस्टम है, सिस्टम की बाउंड्री है, बाउंड्री है, बाउंड्री के चारों तरफ आपकी रहेगी सराउंडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग्स, ये आपकी सराउंडिंग्स होंगी, सराउंडिंग है। अब यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, तो इसमें ना तो एनर्जी इन होगी ना ही एनर्जी आउट होगी, और ना ही मास इन होगा ना ही मास आउट होगा, मतलब दोनों चीजें इसमें कॉन्स्टेंट होगी, ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी ना ही मास ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल इसकी बात करें तो एक थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क में कुछ समय के लिए अगर आप देखें 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, एक लिमिट तक कि कुछ समय तक देखेंगे तो जो भी चीज़ अगर हॉट आपने कॉफ़ी रख दी तो कॉफ़ी हॉट ही रहती है, और अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया है, कोई भी चीज़ को अगर रख दी कुछ समय के लिए, तो उतना उस समय के लिए मतलब अगर गर्म ऑब्जेक्ट है तो गर्म ही रहेगा। और अगर बात करते हैं और दूसरा एग्जाम्पल अगर इसका दें तो वो देते हैं हम यूनिवर्स, यूनिवर्स इसका एग्जाम्पल है। यूनिवर्स में एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो दूसरा एग्जांपल इसका यूनिवर्स भी है। तो पहला एग्जांपल थर्मस फ्लास्क है, दूसरा एग्जांपल इसका है यूनिवर्स। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में कि थर्मस फ्लास्क लिख सकते हैं आप, थर्मस फ्लास्क हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इसका है यूनिवर्स, दो इसके एग्जाम्पल हैं, इसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी ना ही मास ट्रांसफर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल हो गया थर्मस फ्लास्क, दूसरा हो गया यूनिवर्स, दो एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद फिर लास्ट सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं तो एडियाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आएगा, ये क्लोज सिस्टम का जस्ट अपोजिट है। क्लोज सिस्टम में आपका मास ट्रांसफर नहीं हो रहा था, एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एडियाबेटिक सिस्टम में मास ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। देखते हैं यहाँ पर हम एडियाबेटिक सिस्टम को, तो देखिए ये लिखा हमने एडियाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम में मास इन हो सकता है, मास इन हो सकता है, मास आउट हो सकता है, मास अंदर भी जा सकता है, मास बाहर भी जा सकता है, लेकिन एनर्जी जो रहेगी वो कांस्टेंट होगी। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ई यहाँ पे हम एनर्जी के लिए लिख रहे हैं, ई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसको बोलेंगे एनर्जी जो रहेगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ गैस टरबाइन, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो गैस टरबाइन, इसका एग्जाम्पल है गैस टरबाइन। एडियाबेटिक सिस्टम, एडियाबेटिक सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज, मतलब एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी लेकिन मास एक्सचेंज हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक सिस्टम। एग्जाम्पल हो गया गैस टरबाइन। तो ये 4 टाइप्स के आपके सिस्टम थे।